हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EEB। सी हमारे इनकम टैक्स एक्ट में वैसे भी कई सारे बेनिफिट मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, अलाउंसेस, और उनमें से मेजरली ये जो बेनिफिट्स हैं ये डिजाइन किए गए हैं फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर, कि हम कैसे इंडिविजुअल टैक्स पेयर की हेल्प कर पाएं उनका टैक्स को रिड्यूस करने में, जिससे कि दो चीजें होती हैं। एक तो जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है उसका बर्डन कम होता है, और दूसरा इंक्रेज होते हैं लोग अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न फाइल हो पाती हैं। तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं सेक्शन 80EEB की, जो कि फर्स्ट टाइम अनाउंस हुआ था हमारे यूनियन बजट 2019 में। ये बेसिकली एक डिडक्शन का सेक्शन है कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए, उसी के लिए सेक्शन लाया गया। तो चलिए हम डिटेल में देखते हैं सेक्शन के बारे में कि क्या है इसमें और हम अब इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। सी ये जो सेक्शन है, ये जो डिडक्शन है, ये केवल और केवल इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए है। तो अगर आप कोई और टैक्स पेयर है अदर देन इंडिविजुअल, जैसे कि आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, AOP है, कंपनी है, तो ये वाला सेक्शन आपके लिए नहीं है, आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। अब हम बात कर लेते हैं अमाउंट ऑफ डिडक्शन की, कि कितना हम इसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सी इसमें एक कैप दे रखा है कि आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए आपने कोई लोन लिया, आप उसके रीपेमेंट करते हैं, तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट, दूसरा होता है इंटरेस्ट कंपोनेंट। तो आप जितनी भी पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट कंपोनेंट के तहत, आप उसकी डिडक्शन इसमें क्लेम कर सकते हैं अप टू 1.5 लाख रुपए। अब इसमें बात आती है कि एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर अपनी किस गाड़ी के लिए, यानी कि वो पर्सनल यूज में होनी चाहिए या बिजनेस यूज में होनी चाहिए। आप इसमें दोनों ही तरीके से अपनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप एक पर्सनल यूज के लिए अपनी गाड़ी यूज करते हैं तो भी आप उसकी डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपनी गाड़ी को, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप अपने बिजनेस में यूज करते हैं तो भी आप उसका अपनी रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन। वहीं हमें ये बात याद रखनी है कि ये जो गाड़ी हो, या तो वो उस टैक्स पेयर के नाम पे हो या फिर उस बिजनेस के नाम पे हो, और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ कंडीशंस की जो इस वाली डिडक्शन से एसोसिएटेड है। सी सबसे पहला तो ये है कि वो जो लोन हमने लिया है वो कहीं ऐसे ही लोकली ना ले लिया हो, वो एक प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए या फिर एक NBFC से होना चाहिए, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से। हमने इन्हीं से अगर लोन लिया होगा तो ही हमारी वो डिडक्शन के लिए हम अप्लाई कर पाएंगे और एलिजिबल हो पाएंगे। दूसरा हमें इसमें यह भी याद रखना है कि ये वाला सेक्शन इंट्रोड्यूस जब हुआ उसके बाद का ही वो लोन होना चाहिए, यानी कि हमारे लोन के सैंक्शन का पीरियड 1 अप्रैल 2019 से लेके 31/3/23, यानी कि आगे भी अभी 2 साल हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं अगर हम कोई लोन लेते हैं तो। इसमें तीसरी कंडीशन जो हमें याद रखनी है वो है कि व्हीकल कोई भी ना हो, वो केवल एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की डेफिनेशन आप अपनी स्क्रीन पे भी अभी देख पा रहे होंगे। यही जो व्हीकल इसमें कवर्ड होते हैं उन्हीं वाले व्हीकल पे लिए गए लोन के पेमेंट के इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन मिल पाएगी। तो बेसिकली ये वाली जो डिडक्शन है हमारी, वो हमारी यूनियन बजट में अप्रूव हुई थी अंडर फेम स्कीम। फेम बेसिकली है हमारा फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बेसिकली गवर्नमेंट भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए, और फाइनेंशियल सपोर्ट अगर हम देते हैं इंडिविजुअल टैक्स पेयर को तो वो काम काफी आसानी से और जल्दी से हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये वाली इंसेंटिव, ये वाले डिडक्शन लेके आया, जिसमें कि 4-व्हीलर्स 2-व्हीलर्स 3-व्हीलर्स इन सभी व्हीकल्स पे जो भी इलेक्ट्रिक हैं उन पे ये वाली डिडक्शन हमें देखने मिलती है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप ये वाली वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, और अगर आप भी कोई फ्यूचर में व्हीकल लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रह सकती है। इन केस यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।